यदि आपने कोई भी डाटा वर्टिकली टाइप कर लिया है और आप उसको होरिजेंटली करना चाहते हैं, या आपने होरिजेंटल टाइप कर लिया है और उसको वर्टिकल करना चाहते हैं, यानी कि कॉलम से रो में ट्रांसपोज करना चाहते हैं या रो से कॉलम में, तो वो हम करते हैं ट्रांसपोज के जरिए। और आज के ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे ट्रांसपोज फॉर्मूले के, और इसके हम तीन वे बताएंगे आपको ट्रांसपोज के, किस किस प्रकार हम ट्रांसपोज कर सकते हैं अपने डाटा को। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, ये आपके बहुत काम आ सकता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं कंप्यूटर ज्ञान गुरु चैनल। तो आइए सीख लेते हैं। एक सबसे पहला मेथड है कि हमारे पास कोई भी डाटा है, मेरे पास ये डाटा ले रखा है मैंने, इसको मैं यहाँ से सेलेक्ट करूँगा और करूँगा कॉपी कंट्रोल सी, मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पर आके हमने इसको ट्रांसपोज करना है। तो पेस्ट करेंगे, कैसे करेंगे, हम जाएंगे पेस्ट, यहाँ पे करेंगे पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल के अंदर आपको यहाँ पे मिलेगा ट्रांसपोज, इसको चेक करें और कर दें ओके। इस तरीके को आप यूज़ करते हैं यदि आपने सिर्फ उसको ट्रांसपोज करके प्रिंट आउट लेना है या फिर एक बार दिखाना है। हमने यहाँ पे कोई चेंजमेंट करना है तो देखिए, हम यहाँ पे चेंज करेंगे, मैं यहाँ पे 350 है ये लिखा हुआ है, इसको मैं कर देता हूँ 500। तो देखिए यहाँ पे कोई चेंज नहीं हुआ ना, ये दिक्कत आती है क्योंकि इसको हमने पेस्ट स्पेशल किया है। तो यदि हमने यहाँ पे कुछ चेंजमेंट करना पड़े और यहाँ भी चेंजमेंट हो जाए, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? ट्रांसपोज का फॉर्मूला। पहले मैं इसको अंडू कर लेता हूँ, ठीक है, सारा मैं हटा देता हूँ, यहाँ से हटा दिया। अब हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ यूज़ करेंगे हम एक फॉर्मूला इक्वल टू ट्रांसपोज, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और हमने दे दिया अरे के अंदर ये वाला, ठीक है, कंप्लीट अरे दे दिया। अब हम इसको देखो, एक सेल के अंदर फॉर्मूला लगा रहे हैं हम ट्रांसपोज का, और अरे कर दिया हमने पूरी टेबल को, तो सारा डाटा तो एक सेल के अंदर नहीं आ सकता। यहाँ पे अगर हम सिंपली एंटर यूज़ करते हैं तो देखिए यहाँ पे वैल्यू एरर दिखाता है। और यदि हम इसको अरे बनाते हैं इस फॉर्मूले को, तो हम करते हैं कंट्रोल शिफ्ट एंटर, तो ये अरे तो बन गया लेकिन एक सेल के अंदर इसने सारा डेटा नहीं दिखाया। कोई बात नहीं, हम इसको यहाँ से ड्रैग कर लेंगे। कितने तक हमने करना है यहाँ पे हमने 11 कॉलम तक करना है, जितना हमारे पास यहाँ पे रो है उतना। और हम नीचे भी इसको ड्रैग कर देंगे जितना हमने नीचे इसको ड्रैग करना है। तो आप देख रहे हो सारा आ रहा है यहाँ पे, नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि ये सारा अपसेट हो गया है। कोई दिक्कत नहीं, इसी पोजिशन पे हम यहाँ पे करेंगे F2 और करेंगे कंट्रोल शिफ्ट एंटर, तो आप देखोगे ये फटाक से एडजस्ट हो जाएगा। अभी भी हमारा एक कॉलम रह गया 10 नंबर पुष्पेंद्र नहीं आया, कोई बात नहीं, इसको हम थोड़ा सा और आगे तक ड्रैग करेंगे, F2 यूज़ करेंगे। क्यों करते हैं F2 यूज़? क्योंकि हमने इस फॉर्मूले में एडिट करना है, तो एडिट मोड पे आ गया फॉर्मूला, कंट्रोल शिफ्ट एंटर यूज़ करेंगे, कंप्लीट सेट हो जाएगा। या फिर मैं सारे को डिलीट कर लेता हूँ, हमने उतने ही कॉलम और उतनी रो सेलेक्ट कर लेनी है जितनी हमारे पास यहाँ पे हैं। मैंने एक में किया था, हम उतने ही कॉलम रो सेलेक्ट कर लेंगे, हो गया, और कॉलम भी हम उतने ही सेलेक्ट कर लेंगे, हो गए। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं इक्वल टू ट्रांसपोज, ब्रैकेट स्टार्ट, अरे, हमने इसको अरे कर लिया, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और कंट्रोल शिफ्ट एंटर यूज़ करेंगे, तो एक ही झटके में सारा डाटा ट्रांसपोज हो जाएगा। अब इस स्थिति में आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू चेंज करते हैं, मैं यहाँ पे करता हूँ 500 और एंटर यूज़ करूँगा, तो आप देखोगे यहाँ भी एडिटिंग हो रही है ना। तो इस प्रकार से आप एडिटिंग चाहते हैं तो ट्रांसपोज फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। और तीसरा बोनस मैं बताता हूँ आपको, मैं इसको कम्प्लीट डिलीट कर देता हूँ। हम सीधा सीधा इस प्रकार से भी ले सकते हैं कि हमको यहाँ पे चाहिए सेल इक्वल टू ये वाला, एंटर आ गया, यहाँ पे चाहिए इक्वल टू ये वाला, एंटर आ गया। इस प्रकार से हम इक्वल फॉर्मूले के साथ यहाँ पे सारे सेल बारी बारी से ले लेंगे। लेकिन यदि डाटा हमारे पास काफ़ी बड़ा है तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। फिर क्या करें, फिर हम देखिए हम यहाँ पे सेल एड्रेस डाल देते हैं, ये सेल हमारा पहला यहीं पे आएगा, ये हमारा A1, मैंने डाल दिया A1, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे क्या चाहिए हमको, दूसरे नंबर पे चाहिए हमको ये वाला A2, है ना, ट्रांसपोज होके तो यही जाएगा इधर, तो A2 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम इस फॉर्मूले में इस सेल में थोड़ा सा एडिट कर लेते हैं। मैं अपना नाम डाल देता हूँ यहाँ पे, मैंने डाल दिया CGG यानी कंप्यूटर ज्ञान गुरुजी, और A1 मैंने डाल दिया यहाँ पे। और कहाँ तक चाहिए ये हमको, ये हमको 11 रो चाहिए ना, तो
दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस और 11, यहाँ तक मैंने इसको ड्रैग कर लिया। तो ये क्या हो गया, CGG A1, CGG A2, CGG A3 आ गया। इसी प्रकार हम यहाँ भी टाइप कर देंगे CGG, यहाँ पे कौन सा आना चाहिए हमारा, B1 आना चाहिए, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ B1 और यहाँ पे कर देता हूँ CGG C1, CGG D1 और कहाँ तक चाहिए, E1 तक चाहिए, CGG E1 हो गया। अब इन सभी को हम सेलेक्ट करेंगे और इधर खींच देंगे, बस इतना ही करना है। उसके बाद आपने सारे ये पूरी टेबल को सेलेक्ट कर लेना है। फाइंड एंड रिप्लेस के अंदर जाएंगे हम, Ctrl H यूज़ करेंगे और यहाँ पे हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड वाट में डालना है CGG और रिप्लेस विद में हम कर देंगे इक्वल साइन। तो ये क्या होगा, ये फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाएगा और कर देंगे रिप्लेस ऑल। तो आप देखोगे एक ही झटके में ये हमारे सारे यहाँ पे ट्रांसपोज हो गए। आसान था, सिंपल था। तो आशा है आपको वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, हमें कमेंट कीजिए, हमारे वीडियोज़ को लाइक कर दीजिए और नए हैं आप हमारे चैनल पे तो हमें सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। फिर से मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।